नसीर साहब, आप इस फिलोसफी पे कितना भरोसा करते हो? क्या आपको लगता है कि इस मूवी की फिलोसफी की आपके लाइफ में इसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे पर्सनली नहीं पड़ेगी, कभी भी ना पड़ी है कभी। लेकिन इट्स अ वेरी अनयूजुअल एंड एंटरटेनिंग थॉट कि ऐसा अगर हो सकता तो। सो समटाइम्स फिल्मों की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं रहती कि आज की सच्चाई को जैसी वो है उस तरह पेश करें। कभी कभी फिल्मों का काम ये भी हो सकता है कि जो सच्चाई आपको दिखाई देती है, जो सच्चाई आप चाहते हैं, उसको भी पेश किया जा सकता है फिल्म के जरिए। एंड दिस फिल्म इन माय ओपिनियन फिट्स इनटू द कैटेगरी ऑफ अ फिल्म ऐसी, अगर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है तो। क्योंकि हालांकि काफ़ी मनोरंजक फिल्म है, कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं, बट इन ऑल इट्स अ सिनेमैटिक एसे। मकरन जी की बात करें तो मकरन जी एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, पता नहीं क्या क्या जादूगर भी है। इस मूवी में आपके साथ किस तरह की जादूगरी की है? बिकॉज हमने देखा है कि नॉर्मली घर खरीदा जा सकता है, कार खरीदी जा सकती है, तो बताओ क्या नींद भी खरीदी जा सकती है? देखिए, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मकरन की ये शायद पांचवी फिल्म, पहली चार क्या थी मेरे ख्याल से आपको नाम भी नहीं मालूम होंगे, मुझे एक आध के नाम याद है जो मैंने देखी। लेकिन मकरन जब फिल्म बनाते हैं तो फॉर हिम इट्स एन आउटलेट टू सप्लीमेंट हिमसेल्फ फ्रॉम जो हजारों अजीब अजीब कहा जा सकता है किस्म के ख्यालात जो उड़े आते हैं, और बहुत ही फर्टाइल दिमाग है मकरन का, ही इज ऑलवेज थिंकिंग एंड ही नीड्स एन आउटलेट। तो जिस हिसाब से वो लिखते हैं नाटक वगैरह, अगर आप परिचित हों उनके काम से केरल, और पांच फिल्में बना ली हैं, मेरी तो एक फिल्म बना के हिम्मत टूट गई थी। तो आई रियली एडमायर दिस क्वालिटी अबाउट मकरन। मुझे इनका थिएटर का काम बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, बहुत मजेदार लगता है, समझ में नहीं आता, लेकिन आई वॉच हिज वर्क इन द सेम वे एज आई लिसन टू अ पीस ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक भी आपकी समझ में नहीं आता, लेकिन आपको मनोरंजन, आपका मनोरंजन करता है, और कभी कभी आपको इमोशनली मूव भी कर सकता है और आपको खुद नहीं मालूम क्यों। सो दैट्स हाउ आई वुड फाइंड मकरन्स वर्क, एंड बेसिकली इट्स ओरिजिनल। ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग विच नॉर्मली इज नॉट डन सिनेमैटिकली, और उनके प्रोड्यूसर्स को मैं बहुत बड़ी शाबाशी दूंगा कि देयर बीन करेजियस इनफ, मैड इनफ।